बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे मीडिया इन इट्स इम्पैक्ट चैप्टर के। तो प्यारे बच्चों, दुनिया के सवालात के साथ पहली मंजिल पे जो सवाल होना है वो है तुम्हारा रब कौन है, और रब को जानने के लिए उसकी भेजी हुई किताब को पढ़ना शुरू करें। एक तो ये रब का तारुफ है, और दूसरी जब तक हम इसके साथ जुड़े रहेंगे हम गुमराह नहीं होंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। मीडिया का सबसे अहम काम कौन सा है? मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया रबते का बहुत पावरफुल ज़रिया है। इट शेयर न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। ये न्यूज़ और इंफॉर्मेशन का लोगों से तबादला करता है। इंफॉर्मेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। द पावर ऑफ मैस मीडिया टू इंफॉर्म इज़ आलमोस्ट क्रेडिबल। ये मालूमात की फ्राहमी का मुतबर ज़रिया है मीडिया। पीपल रीड न्यूज़पेपर टू नो अबाउट व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग पर्टेनिंग टू पर्सनैलिटीज आर इंस्टीट्यूशंस। लोग अखबार पढ़ते हैं ये जानने के लिए क्या कब कहाँ और कैसा हो रहा है। इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेटर अवेयरनेस अमंग द मैसेज अबाउट मैन एंड मटीरियल। मीडिया लोगों के अंदर शऊर बेदार करता है, लोगों के बारे में और अशिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ ईच। सबसे बड़े कम्युनिकेशन के ज़राए कौन से हैं, हर एक की तीन तीन मिसालें दें। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया आर टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो हैं वो दो बड़े मवासलात के ज़रिए हैं। एग्जांपल्स में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो एग्जांपल्स हैं उसमें है इंटरनेट, रेडियो और टेलीविजन। इंटरनेट जो है वो ग्लोबल एक वो है एक्सेसिबल मीडिया, और प्रिंट मीडिया में आपके आ जाते हैं न्यूज़पेपर्स, बुक्स और मैगज़ीन्स। और आप ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी अवेलेबल हैं, प्रिंट के साथ साथ आप बुक्स, न्यूज़ और मैगज़ीन ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। मीडिया जो है वो एंटरटेनमेंट कैसे प्रोवाइड करता है, आप देखते हैं कि मीडिया पे हम बहुत सारे कैन वॉच स्पोर्ट्स ऑन टीवी एंड इंटरनेट। लाइव स्पोर्ट्स दुनिया में जहाँ भी हों वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम साइंटिफिक शोज़ मीडिया पे देख सकते हैं, हाउ यूनिवर्स वर्क्स, कॉस्मोस, द साइंस शो, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, आप घर बैठे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाने वाले जानवरों की रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। इसके अलावा मीडिया पे यू कैन प्ले क्विज़, आप क्विज़ खेल सकते हैं जिससे आपकी मालूमात में इजाफा होता है। इसके अलावा प्योर तफरी में आप यू कैन वॉच मूवीज़, फिल्म एंड ड्रामास, आप फिल्म में मूवी और ड्रामा देख सकते हैं। यू कैन प्ले वीडियो गेम्स, अगर आपको वीडियो गेम्स खेलने का शौक है तो आप मीडिया के ऊपर वो भी खेल सकते हैं, लेकिन ये वक्त बहुत ज़ाया करती हैं। इसके अलावा जो बहुत डिस्कवरी चैनल है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, मशीनें कैसे बनाई जाती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। तब क्या होगा अगर मीडिया को चेक ना किया जाए, अनचेक बगैर निगरानी के अगर वो काम करे। अगर मीडिया व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड इट डज नॉट डू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसे ऊपर निगरानी ना की जाए तो वो अपना जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा। इट स्प्रेड फॉल्स रिपोर्ट्स एंड न्यूज़, झूठी खबरें और रिपोर्टें शाया होंगी, विच प्रूव हार्मफुल फॉर सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, जो कि माशरे और फर्द के लिए नुकसानदेह होंगी। द मीन सेल्फिश एंड बिजनेस माइंडेड पर्सन वुड ट्राई टू एक्सप्लॉयट कॉमन मैन
यूजिंग इट कनिंगली एंड डिसऑनेस्टली, जो है मीन सेल्फिश लोग जो हैं बिजनेस माइंडेड, वो अपने मकसद के लिए आम लोगों को इस्तेमाल करेंगे. गिव थ्री रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम के बारे में तीन रीजंस दें. आई लाइक माय फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज़ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, इस कायनात में काम कैसे होता है, ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है. दिस इज़ माई फेवरेट टी वी प्रोग्राम. इट इज़ चैलेंजिंग एंड इंस्पायरेशनल, ये मुश्किल भी है और मुतासर कुन भी है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी यूनिवर्स बनाई है. उसके कुछ असूल और जवाबत हैं जिनके तहत वो चलती है. इट इज़ एजुकेटिव, इससे इल्म में इजाफा होता है कि किस तरह हर चीज़ एक कानून के दायरे में रह के काम करती है. एंड इट इज़ इंफॉर्मेटिव कि हम दुनिया में यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम इज़ लाइक अ सैंड पार्टिकल एंड इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एज वेल एज इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, तफरी भी फराहम करती है. तो उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.